नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। कांग्रेस लगातार किस तरह से दोगली राजनीति करके फंस रही है, उसके सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। कोरोना काल में लगातार कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों के खिलाफ झूठ फैलाकर लोगों को भड़काने की खूब कोशिश की, मगर देश की जनता ने कांग्रेस की ऐसी घटिया राजनीति पर कतई भी विश्वास नहीं किया और पीएम मोदी पर ही भरोसा जताया। पहले तो कांग्रेस ने श्रमिक ट्रेनों से अपने घर लौट रहे मजदूरों के किराए पर राजनीति करने की कोशिश की, मगर जब रेलवे ने बयान जारी किया तो कांग्रेस की पोल खुल गई। इसके बाद फिर कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में मजदूरों की मजबूरी पर बस पॉलिटिक्स की, जिसके बाद कांग्रेस बुरी तरह घिर गई। यूपी सरकार को 1000 बस देने के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रस्ताव पर सियासत ठंडी नहीं हुई थी। किसी बीच राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यूपी सरकार को 36 लाख रुपए का बिल थमा दिया। ये बिल कोटा से यूपी लाए गए बच्चों के लिए 70 बसें उपलब्ध करवाने का है, जिसके बाद से कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं और खूब छीछा लहतर हो रही है। यानी एक तरफ तो प्रियंका गांधी मजदूरों को लाने के लिए योगी सरकार को 1000 बसें देने की बात करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी की गहलोत सरकार योगी सरकार को 36 लाख का बिल थमा देती है, तो उसमें कांग्रेस की इंसानियत कहां दिख रही है। हो सकता था कि अगर प्रियंका गांधी जिन बसों को यूपी के लिए मुहैया कराने की बात कर रही थी, बाद में वो भी योगी सरकार को बिल थमा देती, तो वह एक बार फिर कांग्रेस की दोगली राजनीति की पोल खुल गई। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था। इसमें कोरोना वायरस महामारी के चलते गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए थे। उन्होंने गरीब किसानों और छोटे व मध्यम उद्योग के बिजली बिलों को माफ करने का अनुरोध किया था। पत्र के माध्यम से प्रियंका ने योगी से गरीबों और मध्यम वर्ग को मिलने वाले होम लोन पर भी ब्याज माफ करने को कहा था। 14 मई को लिखे पत्र में प्रियंका गांधी ने कहा था कि ये लोग राज्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रियंका गांधी ने पत्र के माध्यम से कहा था कि कोरोना वायरस के कारण समाज का हर वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ, इन लोगों की मदद करना सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने अपने ही शासित राज्य में लॉकडाउन से परेशान लोगों को राहत देना उचित नहीं समझा। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं को अब 3 महीने का बिजली बिल एक साथ भरना पड़ेगा। यानी कि 31 मई तक बिल जमा नहीं करवाया तो पूरे 3 महीने की बिलिंग राशि पर 2% पेनल्टी देनी होगी। इतना ही नहीं, बकाया राशि पर जून के पहले सप्ताह से बिजली कनेक्शन काटने शुरू कर दिए जाएंगे। इस संबंध में जयपुर डिस्कॉम प्रबंधन ने सभी इंजीनियरों को निर्देश दे दिए गए हैं। अब आप खुद सोचिए, योगी सरकार को ज्ञान देने वाली प्रियंका गांधी की पार्टी की ही सरकार राजस्थान में किस तरह से जनता को ठगने में लगी हुई है, लेकिन प्रियंका गांधी यूपी सरकार को नए नए सुझाव दे रही हैं। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंधन निदेशक ए.के. गुप्ता का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते अप्रैल और मई में जारी होने वाले कृषि और 150 यूनिट तक प्रतिमा उपयोग वाले घरेलू बिल भुगतान को 31 मई तक स्थगित किया गया था, इन्हें माफ नहीं किया था। घरेलू और कृषि उपभोक्ता 31 मई तक बिल राशि का भुगतान करके 5% राशि के बराबर रिबेट आगामी महीने में प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने अप्रैल के पहले सप्ताह में 31 मई तक बिजली बिल स्थगित किए थे। कृषि और 150 यूनिट मासिक से कम खर्च वाले उपभोक्ताओं को 31 मई तक बिल जमा नहीं करवाने की छूट दी थी। नई टैरिफ और गर्मी में बिजली उपभोग ज्यादा होने के कारण अप्रैल और मई में बिजली बिल करीब 25% ज्यादा राशि के मिल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लोग घर पर हैं, इससे बिजली का उपयोग भी बढ़ गया। इससे साफ है कि कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है कि जनता को भ्रमित करना और इस दौरान परेशानी से जूझ रहे लोगों पर राजनीति करना कांग्रेस का पेशा बन चुका है, मगर ऐसा करके कांग्रेस बेनकाब भी हो रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।